स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडी सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल लर्न अबाउट गुड हैबिट्स। आज हम पढ़ेंगे गुड हैबिट्स के बारे में। किस चीज के बारे में? गुड हैबिट्स। तो गुड मींस तो आपको पता ही होगा, गुड मींस क्या होता है? गुड मींस होता है अच्छा। गुड मींस अच्छा, और हैबिट मींस होता है आदत। गुड मींस अच्छा और हैबिट मींस अच्छा आदत। तो चलिए, हमें आज पढ़ना है अच्छी आदतों के बारे में। तो एक बार मेरे साथ हैबिट्स का स्पेलिंग बोल लीजिए। गुड का स्पेलिंग तो आपको याद होगा, लेकिन चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। जी डबल ओ डी गुड, गुड मींस अच्छा। एच ए बी आई टी एस हैबिट्स, गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें। गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। गुड हैबिट्स एंड मैनर्स मेक अस अ वेल मैनर्ड चिल्ड्रेन। जो अच्छी आदतें होती हैं वह हमें एक अच्छा बच्चा बनने में, एक शिष्टाचार बच्चा बनने में मदद करती है। वी लर्न गुड हैबिट एंड मैनर्स इन स्कूल एंड एट होम। जब आप घर पे होते हैं तो जो आपके मम्मी पापा या फिर आपसे जो बड़े होते हैं, जैसे दादा दादी चाचा चाची, ये सब आपको अच्छी आदतें, जो शिष्टाचार होते हैं, जो संस्कार होते हैं, वह आपको बताते हैं, उसमें अच्छा बच्चा बनने में आपकी हेल्प करते हैं। सेम वैसे ही जब भी आप लोग स्कूल में जाते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, वह आपको आपकी आदतों को देख के आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी आदतों को देखते हैं और सिखाते हैं। आवर पेरेंट ऑल्सो टीच अस गुड मैनर्स। जो हमारे माता पिता होते हैं वह पहले से ही हमको अच्छी आदतें सिखाते हैं और हमें एक शिष्टाचार बताते हैं, एक संस्कार में बांध के रखते हैं। एवरीबडी लव्स गुड चिल्ड्रेन मीन्स जितने भी लोग होते हैं सभी लोग अच्छे बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, अच्छे बच्चे को सब प्यार करते हैं। तो आपको भी अच्छा बनना है ना? तो चलिए हम जानते हैं कि हम अच्छा कैसे बन पाएंगे। ये देखिए, वी से गुड मॉर्निंग टू आवर पेरेंट व्हेन वी वेक अप मीन्स हम जब भी जगे तो जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर जो भी हमसे बड़े हैं घर में, हमें जगने के बाद तुरंत उनको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने दादाजी को, यहाँ पे उनके दादाजी हैं और वह अपने दादाजी को क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग। क्या बोल रहा है? गुड मॉर्निंग बोल रहा है। सेम वैसे ही जब भी आप लोग जगे तो आप लोग जाके अपने पेरेंट्स को, अपने से जो बड़े हैं उनको गुड मॉर्निंग बोलिए। व्हेन एनी गेस्ट कम टू आवर होम शुड वेलकम हिम एंड ग्रीट विद हिम विद फोल्डेड हैंड्स मीन्स हमारे घर पे अगर कोई भी मेहमान आते हैं या फिर कोई भी आते हैं तो हमें उनका स्वागत दोनों हाथ जोड़ के करना चाहिए, मीन्स हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए और फिर हमें उनको घर में बुला के उनका वेलकम करना चाहिए। तो आप उनका वेलकम कैसे करोगे? दोनों हाथ जोड़ के। चलिए आगे पढ़ते हैं। वी शुड स्टैंड अप टू वेलकम व्हेन आवर टीचर enter in the class means जब हमारे शिक्षक हमारी क्लास में एंटर करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए, हमें स्टैंड अप होकर उनका वेलकम करना चाहिए। अब हमें पढ़ना है गुड मैनर्स के बारे में। किस चीज के बारे में? गुड मैनर्स के बारे में। अभी तक हमने गुड हैबिट्स के बारे में जाना है, तो आपको गुड हैबिट्स के बारे में तो मालूम हो ही गया होगा, गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें। लेकिन गुड मैनर्स के बारे में अब जानना है, तो गुड मैनर्स मीन्स शिष्टाचार, मैनर्स मीन्स होता है शिष्टाचार और गुड मीन्स अच्छा। तो अब हमें जानना है अच्छे शिष्टाचार के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। से प्लीज व्हेन यू आस्क समबडी फॉर समथिंग मीन्स आपको प्लीज बोलना है। अगर आप किसी से कुछ कहते हैं या फिर कुछ मांगते हैं तो आपको वहां पे आप प्लीज बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्लीज लिखा हुआ है, प्लीज का स्पेलिंग क्या है? पी एल ई ए एस ई प्लीज, प्लीज मीन्स कृपया। देखिए ये जो बच्चा है वह क्या कर रहा है, ये सब्जी ले रहा है, तो क्या बोल रहा है? प्लीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्लीज।
आप समझ गए ना, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए या फिर किसी से कुछ कहना है तो आप उनसे प्लीज़ बोलेंगे। से सॉरी व्हेन यू आर रॉन्ग, जब आप गलत हो या फिर आपसे किसी को दुख हो, किसी को चोट पहुंच जाए तो आपको उन्हें सॉरी बोलना है। क्या बोलना है? सॉरी बोलना है। से सॉरी व्हेन यू आर रॉन्ग, सॉरी मीन्स होता है माफ़ी मांगना। सॉरी का स्पेलिंग क्या है? SORRY, सॉरी। सॉरी मीन्स माफ़ी मांगना। जब आप गलत हो तो आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए। देखिए ये बच्ची रो रही है, किसके वजह से? इनके वजह से। जब इनको एहसास हुआ तो ये क्या बोल रही है? ओह सॉरी मीन्स प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट है से थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समबडी, मीन्स जब आपको किसी से कुछ मिलता है या फिर किसी से कुछ लेते हैं तो आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। जब आपको कोई कुछ देता है तो उन्हें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। देखिए यहाँ पर ये जो आंटी हैं वह इनको क्या कर रही हैं? गिफ्ट दे रही हैं। क्या दे रही हैं? गिफ्ट दे रही हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं आंटी से? थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? थैंक यू। पुट अ हैंडकरचीफ ऑन योर नोज व्हेन यू स्नीज, पुट अ हैंडकरचीफ मीन्स आप एक रुमाल रखिए, ऑन योर नोज मीन्स अपने नाक पे, व्हेन यू स्नीजिंग जब आपको छींक आए, सर्दी हो तो आपको अपने नाक पे क्या करना चाहिए? रुमाल रखना चाहिए। जैसे कि हमको हम सबको पता है ना कि जब हमें छींक होती है तो बैक्टीरिया निकलते हैं, और छींकते समय हमारे मुंह से थूक निकलता है और दूसरों के शरीर पर जाके चिपक जाता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो हमारे साथ साथ वो भी बीमार पड़ सकते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए कितने अच्छे से इसको छींक आ रहा है, तो ये अपने नाक पे रुमाल लगाई हुई है। सेम वैसे ही हमें भी अगर छींक आए तो हमें भी अपने नाक पे रुमाल लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू, हमें हमेशा एक कतार में खड़ा होना है। जैसे ये देखिए ये कतार में खड़े हैं ना, सेम वैसे ही हमें भी हमेशा कतार में खड़े होने चाहिए। मान लीजिए हमें बस में चढ़ना है, जैसे स्कूल बस आ गया और हमें बस में चढ़ना है, तो हम आगे पीछे ऐसे भागा दौड़ी करेंगे तो किसी को चोट भी लग सकता है, तो हमें ऐसे नहीं करना है। एक कतार में खड़े होके और लाइन से चढ़ना है। तो समझ गए आप लोग? ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग मीन्स जब भी आपको रोड पार करना हो तो आप जेब्रा क्रॉसिंग पर ही जाए। अगर जेब्रा क्रॉसिंग, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है, जिस पे कोई गाड़ी आ जा नहीं सकती, और अगर आप इससे उधर या फिर इधर चलेंगे, लेफ्ट या राइट चलेंगे, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें खुद की रक्षा खुद करनी है और सावधान रहना है। तो कभी भी आपको चलना है तो कहाँ चलेंगे? जेब्रा क्रॉसिंग। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैं आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे है जेब्रा क्रॉसिंग, इसको क्या कहते हैं? इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, और इसी पे हमेशा पैदल चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको चलना हो तो आप जेब्रा क्रॉसिंग पे ही चलें। लेकिन एक और बात ध्यान रखें, यहाँ पे देखिए लाइट दिख रहा है, जब रेड लाइट चले तो आपको नहीं चलना है। रेड लाइट का मीन्स डेंजर, मीन्स खतरा, तो आपको रेड लाइट चले तब नहीं चलना है। और जब ग्रीन लाइट चले मीन्स जब ग्रीन लाइट जल रही हो, यानी कि जब ग्रीन लाइट ऑन हो तभी आपको चलना है। तब तो आप लोग समझ गए होंगे ना। ओके थैंक यू।